हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले ऑफ फार क्राई 6। तो पिछली वीडियो में हमने जहां मिशन पूरा करके छोड़ा था कैंप पे पहुंचने के बाद, उसी से आगे हम मिशन को बढ़ा रहे हैं। और यहां पे हमें मिशन मिला है आगे जाकर कोई एयरक्राफ्ट एयर स्पेस है, वहां पे हमें जाकर उसे शायद डिस्ट्रॉय करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं वहां तक जाने के लिए हमारा रास्ता क्या है। और कुछ इंस्ट्रक्शन पहले की तरह युवान हमें दे रहे हैं, ब्लो अप द एंटी एयरक्राफ्ट कैनन। वहाँ पे कोई कैनन रखा हुआ है, कैनन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वहाँ पे जाना है हमें, डिस्ट्रॉय करना होगा। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, ये रही हमारी सवारी। और यहाँ से हम, यहाँ पे कुछ हमें फ़ोटोज़ मिल रहे हैं, ये हमें मिल गया है। और अब हमें समझ में आ चुका है, जी हाँ, इसी को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो अब हम जाएंगे, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा कुछ वहाँ पर करना ना पड़े और आसानी से हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो चलिए, अब हम लगभग वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हमें कुछ और इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, ठीक है, हमें थैंक यू बोला जा रहा है पिछले मिशन के लिए। कोई बात नहीं, रास्ते काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हैं। तो बगल में दे रहा है कि एंटी एयरक्राफ्ट कैनन्स को पूरे यारा में ये फैले हुए हैं, तो जितना ज़्यादा हम इसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे उतनी ज़्यादा फ्लाइट जो है यहाँ से उड़ सकेंगी और यारा से सिविलियंस जो है जा सकेंगे। यहाँ पहले स्पॉट कर लेते हैं, कुछ एनिमीज को देख लेते हैं अपने, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कितने लोगों को हमको यहाँ से निपटना है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम इन्हें मारें ना, वो ऊपर वो रहा ऊपर कैनन, हमें उसी को डिस्ट्रॉय करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इनसे निपटने से अच्छा घूम कर जाते हैं और डिस्ट्रॉय करके सुमड़ी में यहाँ से निकल लेते हैं बिना कुछ किए। हमारा ये मेन मिशन यही, इनसे निपटना नहीं। तो आप लोग समझ चुके होंगे हम ये कैनन डिस्ट्रॉय करने क्यों आए हैं, ताकि जितने ज़्यादा कैनन हम डिस्ट्रॉय करेंगे उतने ज़्यादा कैंप और कैनन डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल सकेंगे और उतनी ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से जा सकेंगे। ये रहा हमारा कैनन, इसे डिस्ट्रॉय करना काफ़ी, अरे यार डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा ये तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस पर, कुछ और देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्पॉट कर लेंगे इससे पहले कि हम कुछ करें, यहाँ पे इसी को उड़ा देते हैं, ये बॉक्स रखा हुआ है इसको उड़ा देते हैं, ड्रम मारते हैं ये, और काफ़ी जल्दी हमारा ये मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे बिना कुछ किए, बिना खून खराबा किए, मिशन कंप्लीट हो गया है हमारा। अरे हम फोड़ने के बाद हम स्पॉट हो गए हैं, इन कुछ लोगों से तो निपटना पड़ेगा। मर जा भाई, इसे मार मार के नहीं रहा, ठीक, कॉम्बैट एंड्स। हमें और कुछ मिलते, कुछ तो आया भाग भाग। अब वो रही हमारी अगली लोकेशन, अब हम वहाँ उसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी कुछ और इनमीज हैं भाई, इन्हें भी मार देते हैं, तो जा मार दे भाई उसको, आने से पहले मार 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 इसको, मार साले को, ये गए। क्या पहना हुआ है ये, एक लड़की ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया। चलिए ये एक और बंदा, इसे निपटा दे। अरे एक पेड़ पे क्यों मार रहा है, मार इसको मार, अबे मार गर्दन में, गर्दन में मार, बॉडी को हमें कहीं नहीं लगाना है साइड में। अब यहाँ से आगे बढ़ना, कोशिश करें जितना जल्दी यहाँ से निकलने की, लेकिन चलिए अब हम यहाँ का चीज़ें वो कर चुके हैं, अब हम आगे जो है डायरेक्ट जो है वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अब हमें पहुँचना, ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के ऊपर हमें चढ़ना है, उसके बाद हमें पहले चारों तरफ देख लेना हमें क्या करना है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा लाइट हाउस, रास्ता किधर से है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ जंग छिड़ी हुई। ये लाइट हाउस के ऊपर हम जाएंगे और उसके बाद काफ़ी ऊंचा लाइट हाउस, वो रहा हमारा शिप जिस पे हमें नज़र रख के देखनी है कि हमें करना था। ये हमारा एक साथी दिख रहा है हमें, तो वहाँ पे दो पिकअप, दो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं जिसे हमें, मेरे ख्याल से दो तीन मिशन्स हैं वहाँ पे हमें कंप्लीट करने होंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद तब हमें यहाँ से मेरे ख्याल से जंप करके जाना होगा।
वहाँ पे मुझे दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे एक आगे की तरफ। तो हमने चारों तरफ, यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा बारूद भी नज़र आ रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षा रखी गई है काफ़ी। ठीक है, अब यहाँ से हम जंप करेंगे। ये खुला हमारा पैराशूट, बस दोस्तों लैंडिंग अच्छी हो जाए। उम्मीद थी हम कैप्टन अमेरिका की तरह लैंडिंग करेंगे, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है। पता चला पानी में गिरते काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। हम लैंड करते अब आगे बढ़ेंगे। एनिमीज यहीं से हमें दिख रहे हैं। चल भाई जल्दी पहुंच। दोस्तों हमें यहाँ इस शिप को क्लियर करना है, ताकि हमारी बोट्स जो है, हमारी क्या ग्लोवेरा की जो बोट्स हैं वो आगे बढ़ सके। इसलिए हमें इस शिप को क्लियर करना है और इसे सिक्योर करना है। मैं सोच रहा हूँ पहले अलार्म को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि बाहर से ये लोग किसी को बुला ना सकें। ये कुछ एनिमीज स्पॉट हो रहे हैं। स्टेल्थ मोड में जाकर हमें उसको अलार्म को डिसेबल करना है। देखते हैं अगर हम सक्सेस हुए तो ठीक, वरना इनसे तो निपटना ही है। एक गया, गन की आवाज़ सुनकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लोकेशंस काफ़ी बढ़िया बढ़िया दी हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसे खेलने में। और यहाँ पे हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हैवी कॉम्बैट के लिए एक हमने उड़ा दिया। जॉन कॉटेज के जा 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 जा, किधर भाग रहा है? लेकिन तुम्हें कुछ तो आया। भाग ले भाग ले, मार 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 मार, आग लगे। अरे भागता क्यों नहीं तू इधर से? घूम किधर रहा, कहीं से तो रास्ता मिल इसको। मार, किधर जा रहा? आ जा बेटा, आ जा आ जा, गया तू। और आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, आ जा बाहर भाई। हैवी उस पर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी यहाँ से। अरे भाई निकल तू बाहर, काफ़ी ज़्यादा मार। अरे आग में किधर जा रहा है? अरे तेरी मार रहा है। आह क्या बात है, कूदेंगे साले, मारने आ रहे हैं। मार मार इसको, मार ही किसको मारा, मार मार मार। अरे मार दिया, अरे उजा उजा, मार मार इसको, मार मार, तोड़ दे खोपड़ी साले की। भाग ले बेटा, कुछ तो आ रहा है, भाग मार पहले इसको। अरे आगे तो बढ़ रहे हैं मैम, पहले हमें इसको निपटाने तो दो, मार दे। चलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन पहले पोर्ट को साफ करना पड़ेगा। ये रहा हमारा, ये फेवरेट मूव होता है, डायरेक्ट गर्दन में चाकू मार के गर्दन को आर पार कर। ये भी गया, ऐसा लग रहा है जैसे हमने लगभग आधी शिप क्रॉस कर दी है। एक गोली में काम हो गया इसका, भाग रहा था। चारों तरफ से हमें पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पर रिलोडिंग करने में हमको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एक बार रिलोडिंग हो गई उसके बाद तो फिर 100 राउंड की फुर्सत, उसके बाद देते रहो 100 राउंड। लगभग ऐसा लग रहा है हमने मज़े का शिप को खाली तो कर दिया, एक शिप एटलीस्ट हमने खाली कर दिया, अभी दूसरा बचा। हम आगे दूसरे वाले शिप पर बढ़ते हैं, और उस पर भी ऐसा लग रहा है हमें हैवी एनिमीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ल्यून दियारा बैटल शिप पूरी तरीके से ही, इस शिप को हमें खाली करना ही होगा। हम ऐसा डेवलपर्स ने बनाया हुआ है कि बिना इस शिप को खाली किए आप इस मिशन से आगे नहीं बढ़ सकते, ताकि हमें अपनी बोट लेकर के ही इससे आगे बढ़नी है। यहाँ पे दिखा रहा है कि हेलीकॉप्टर्स भी आसपास हैं, तो थोड़ा बच कर ये रहा ऊपर। मार इसको, गया। एक चीज़ है, एनिमीज आर नॉट वेरी हार्ड टू किल। ये लोग मार किसे रहे हैं? मार मार इसको, मार ये ले। ओहो मिसाइल ताकि जा रही हैं। दोनों शिप्स का जो लोकेशन वो एकदम सिमिलर से दिख रही है, ज़्यादा दोनों में बदलाव नहीं है। ये कोई तो है इधर,
ज़्यादा एनिमीज अब बचे नहीं हैं, सामने दिख रहे हैं उनसे एनिमी पटना है, नीचे है कोई, अरे ऊपर आ गया, ये गया तो भी गया, मर जा आ किधर रहा है तो मार रहा है इधर सामने से, ये पहले से निपट सकते हैं, तेरी रीलोड हो जा, हट जा हट जा, हम इसी गन से इस्तेमाल करेंगे, निपटाएंगे सबको। अरे भाई जल्दी तो क्लियर हो, काफ़ी बॉडी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो एल प्रेसिडेंटे साहब, इनके पास इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं, जहाँ जाओ वहाँ इतने लोग मिल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे यारा आइलैंड पे जितने भी क्रिमिनल थे सबको इन्होंने इकट्ठा करके अपनी पूरी टीम बना रखी है ताकि ये हम लोगों से निपट सकें और किसी को भी यारा आइलैंड से बाहर नहीं जाने, ये रहा फेवरेट मूव। अरे मार यार इसको, मार इसको जल्दी मार, ये हमने हेलीकॉप्टर डाउन कर दिया, खैर मार इसको मार, अभी लग रहा है कोई और इनका शूटिंग हो रही है, कहाँ से ली छः मीटर ऊपर से, ये ऊपर हमको जाना है, ऊपर की तरफ लोकेशन दे रही है, ऊपर चल के हम उसके बाद देखते हैं आगे के लिए हमारे लिए क्या अगला हो, ये मिल गया हमारा, इससे तो आ गया जो सामने उसका काम ही हो जाएगा, कोई इसका कोई मतलब हम मुझे लग नहीं रही है, अगर हमें पहले मिला होता तो शायद हमने कुछ लोगों को निपटाया भी होता इससे, अभी कुछ लोग बचे हैं क्या, ये लैंडिंग बैड लैंडिंग, मार दे इसको, खोपड़ी फोड़, खोपड़ी तोड़ साले की, कहाँ है भाई किधर से दिखेगा, ऊपर चढ़ जा इसको निपटा दे, ऐसा लग रहा है जैसे यही बचा हुआ, ये गया, अभी भी कुछ लाल ट्रेसेस दिख रहे हैं, मतलब कुछ ही नहीं अभी भी बचे हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे, हैवी कॉम्बैट, ऊपर किधर से जाएगा, आगे रास्ता है दिया तो है, आगे से ये रहा रास्ता, इससे ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, वो चला किस पर आगे मिल जा, ये रहा निपटा दे इसको, मार मार, गया फिर, अरे भाई चूहा कहाँ से है, मार ऊपर चल रहा है उसके पहले, मार 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 मार, गया नीचे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स में बताइए, ये एक बंदा और ऊपर चल रहा है, ये भी गया, अभी और सोल्जर आ रहे हैं, जैसा कि नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सप्लोजन भी हो रहे हैं बगल में, नए सोल्जर, तो हमको यहाँ से जल्दी से निपटना पड़ेगा, लेकिन ये क्लियर होने का नाम ही नहीं रहा, मिशन काफ़ी लंबा कॉम्बैट होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ये गन रिलोड हो जाए उसके बाद हम नीचे उतर के बताते हैं, कुछ एनिमीज और बचे हुए हैं, इनको निपटाने के बाद मेरे ख्याल से मिशन पूरा हो जाएगा, ज़्यादा लोग मुझे लग नहीं रहा कि बचे हुए हैं, ये हम नीचे चलते हैं, इन्हें कुछ लोगों को निपटा करके मिशन जल्दी जल्दी कम्प्लीट करते हैं, ये रहा ऊपर लग जा, अरे भाई लग जा रे, लग जा रे, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये जाएगा तुम, ये ले, ये काम हो गया इनका, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग जल्दी से निपट के खत्म, नीचे एक बंदा दिख रहा है, काफ़ी एक्सप्लोजन है, नीचे जाने लायक नहीं है, चलो चलिए चलते हैं इसको निपटाने के लिए, ये ओ हो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी गर्दन ही अलग कर दी हमने, ये तो जा, ये हमारा मिशन अब हो चुका है कंप्लीट, और अब हम, जी हाँ बिल्कुल हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, मेरे ख्याल से अब मिशन कंप्लीट होने के बाद यही था कि हमें आगे ये शिप को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ना था, तो अब वही बोर्ड तक पहुँचना होगा, किधर जा रहा है, अब हम पता, हमें क्लारा की बोर्ड तक पहुंचना है और वहां से हमें आगे निकल जाना है, हेलीपैड किधर जा रहा है, एमओ हम कलेक्ट कर लें,
ऊपर इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं हमें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा हमें क्लारा की बोर्ड तक पहुंचना है। इससे हम ऊपर जाके हमें ये लोकेशन मिल जाएगी कि क्लारा अरे आ रहा हूँ रुक जाओ थोड़ा देर, देख लेते हैं कि क्लारा है किधर, उसके बाद उसकी बोर्ड से होते हम आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। किधर है किधर है किधर है भाई तू क्लारा, वो रही सामने, चलिए यहीं से जंप कर जाते हैं। ये हमारा खुला पहला शूट, लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लैंडिंग 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 परफेक्ट। तो एक मिशन यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चढ़ जाओ ऊपर, हमने अभी अपने मेन जो हमने यूरेनियम से हथियार इक्विप किया था उसका यूज़ हमने अभी तक नहीं किया है। वाह एक्सप्लोजन, यहाँ पे आप लोगों को आसपास का नेचर एनवायरनमेंट देख के काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे अब ये लोग कुछ आपस में बातचीत करेंगे तो उसे स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन रही, मेरे ख्याल से ये क्लारा का घर है जहाँ तक डिस्क्रिप्शन से समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब आगे का मिशन है या क्या है आगे हमें पता चल जाएगा। ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, ये कहाँ पहुँचे हम, ये किसी प्रिजन की, मेरे ख्याल से अब हमें एल प्रेसिडेंटो जी दिखाए जाएंगे। यहाँ पे किसी को प्रिजन बनाया, प्रिजनर बनाया गया है। ये कैरेक्टर को आप लोग पहचानते होंगे, पिछला मिशन, पिछले से पहले वाला मिशन हमने जो टोबैको को तबाह करने का किया था इन्हीं के साथ किया था। ये यहाँ पर बंदी हैं, ओह काफ़ी गाली गलौज। ये रहे हमारे प्रेसिडेंटे और उनका बेटा, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे अपने बेटे को कुछ सिखाने आया है। आपको यहाँ तक की स्टोरी में ये तो पता चल गया होगा कि इनका बेटा जो ये कर रहे हैं उनसे ज़्यादा सहमत नहीं, इसी वजह से ये कंट्री को छोड़कर भागना चाह रहा था, लेकिन शुरू में ही ये पकड़ा जाता है। पहले इनकी बातें सुन लेते हैं, इन्होंने इसे बंदी क्यों बना के रखा है, करवाना क्या चाह रहा है ये इससे। कमांडर टेक केयर एंड स्लो टू बी आउटकास्ट, इन्हें लगता है कि यही एक असली यारियन, यारियन मतलब ऐसे लोग जो यारा के ट्रू निवासी हैं। हालत काफी बुरी लग रही है। ये कैरेक्टर मुझे, आप लोग अगर इन्हें पहचानते होंगे तो ये कैरेक्टर मुझे, वैसे तो आप इनका रोल जिन्होंने पोर्ट्रे किया है वो कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग इन्हें मूवी और सीरीज में देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा डेडली कैरेक्टर साबित होते हैं, इनकी एक्टिंग लाजवाब होती है। ऐसा लग रहा है कि ये इन्हें मारने के लिए कहने वाला है। हाँ मार देगा क्या, मत मारना रे, ये फैमिली बिजनेस, ताकि जो हम कर रहे हैं वही हमारा बेटा भी कर सके। अभी तक तो देखने से इस गेम पे ऐसा लग रहा है कि बेटा उस राह पे चला नहीं था, आगे का नहीं मालूम। ठीक है इसने मारा नहीं, अब देखते हैं आगे ये क्या करते, लग रहा है ये मार देगा। ये मार दिया, बीच बीच में स्टोरी नरेट करने के लिए बताते आते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे कैरेक्टर के अलावा साइड में क्या चल रहा है, ताकि आगे चल के स्टोरी जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके। और यहाँ पर उसी की आगे हमारे पास फोटो रिसीव हो चुका है, इसका मतलब कि यूलियो की डेथ हो चुकी है। तो अब यहाँ से जो भी बातचीत इनके बीच में होगी, हमें अगला मिशन अब यहाँ से मिलने वाला है। ये रही हमारी बोट, मेरे ख्याल से यही बोट लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा और हमारा अगला मिशन जो है यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है इनकी बात है, देख ठीक है, मतलब आगे अब हमें खुद का ध्यान यहाँ से रखना होगा। मेरे ख्याल से अब ये लोग हम क्लारा अभी तक की बात से ये समझ में आ रहा है कि हम हमारी आगे मदद नहीं करेगी, हमें जो भी करना है यहाँ आगे खुद से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।